Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. सरकार इसने तो कुछ किया नहीं, बीजेपी की सरकार तो पर्ची सरकार है, पर्ची वहां से आती है तो वही काम कर पाते हैं। इनको पर्ची आ गई कि आपको राम मंदिर में जाकर आना है, तो ये हवाई जहाज करके सरकार का खर्चे से चले गए। और यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रांसफरों में खेल खेला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफर उद्योग ये भजनलाल सरकार चला रही है। एक एक महिला का 5-5 बार ट्रांसफर हो गया, एक एक व्यक्ति को 5-5 बार ट्रांसफर कर दिया गया। एक व्यक्ति जाकर के वहाँ ज्वाइनिंग करता है, मकान किराया लेता है, 3 दिन में 5 दिन में उसका वापस कर दिया जाता है। जो हजारों की संख्या में ट्रांसफर का खेल खेला गया है, ये जब जून के अंदर विधानसभा का सत्र आएगा हमारा, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इनकी कलई खोलेंगे, इनकी पोल खोलेंगे कि मोदी जी की पूरी तरीके से उनकी कार्यशैली, उनका जिस प्रकार का ईमानदारी का जो दम्भ वो भरते थे, वो सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं कि ये लोग बाग संस्थागत भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली है। तो हम लोग कुल मिला के संगठन के तौर के ऊपर और पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की बात की जाए, 2 चरणों में चुनाव होंगे, 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। अच्छी बात है। किस तरह की तैयारी? देखिए, अच्छी बात है, हम वेट ही कर रहे थे। और जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें पहले और दूसरे फेज में पूरे राजस्थान को बांटा गया है 2 चरणों में। पहले में 19 अप्रैल को जो चुनाव है वो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ और इधर सीकर, नागौर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, धौलपुर, ये जो ज़िले हैं, ये पहले फेज में। और दूसरे फेज में बांसवाड़ा वगैरह, झालावाड़ वगैरह दूसरे ज़िले हैं। तो हमारी तैयारी है, 10 टिकटें हमने जारी कर दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कल हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई थी और अभी सीसी की बैठक जब भी एआईसीसी तय करेगी, हम लोग प्रिपेयर हैं। बाकी के नामों को भी हम पारित करा लेंगे प्रस्ताव को, और चुनाव अच्छा होगा। जो 5 साल में हमने काम किए वो जनता के सामने हैं, 3 महीने में इन्होंने जिस प्रकार की गवर्नेंस दी है वो हमारे सामने है, 10 साल से जो मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो जनता के सामने है, 10 साल यूपीए सरकार ने जो काम किए जनहित के, जो फैसले लिए, जो कानून बनाए, वो जनता के सामने है। और अभी जिस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, जो चंदे के नाम से धंधा किया गया है, चंदे के नाम से एक्सटोरेशन किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, और जो किसानों के साथ में जो सौतेला व्यवहार करके आंदोलन के मजबूर के लिए मजबूर किया गया है, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं और जनता फैसला करेगी। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल तक कोई हिसाब नहीं दिया, हम 5-5 साल से हिसाब देंगे। अब 10 साल में भी हिसाब नहीं दे रहे हैं, और जो देश के जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका करके कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान कब्रिस्तान, कभी इस तरह के ज्ञान व्यापी की बातें करना, कभी राम मंदिर की बातें करना, ये इस तरीके की बातें कर करके और ध्यान भटकाना लोगों का चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि मोदी जी की पूरी तरीके से उनकी कार्यशैली, उनका जिस प्रकार का ईमानदारी का जो दम्भ वो भरते थे, वो सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं कि ये लोग बाग संस्थागत भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली है और केवल झूठे वादे करते हैं, गारंटियों की बात कहते हैं। पहली गारंटी तो इनकी यही थी कि यहाँ पर 12 रुपये का जो फ़र्क है पेट्रोल में हरियाणा और यहाँ पर दूसरे स्टेट से राजस्थान में, वो हम लोग सम्मान कर देंगे दिसंबर में गवर्नमेंट आते ही। आज 3 महीने ऐसे ज़्यादा हो गए हैं और अभी 1 रुपया 34 पैसे से लेकर के और 3.5-4 रुपये के लगभग का जो इक्विलाइजेशन किया गया है उसमें फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी गारंटी फैल हुई है और जनता को इससे कोई राहत नहीं मिल पा रही है।
तो हम लोग कुल मिला के संगठन के तौर के ऊपर और पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। सरकार के काम मोहर लगेगी आपको लगता है? सरकार इसने तो कुछ किया नहीं, बीजेपी की सरकार तो पर्ची सरकार है, पर्ची वहाँ से आती है तो वही काम कर पाते हैं। इनको पर्ची आ गई कि आपको राम मंदिर में जाकर आना है, तो ये हवाई जहाज करके सरकार का खर्चे से चले गए। और यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रांसफरों में खेल खेला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफर उद्योग ये भजनलाल सरकार चला रही है। एक एक महिला का 5-5 बार ट्रांसफर हो गया, एक एक व्यक्ति को 5-5 बार ट्रांसफर कर दिया गया। एक व्यक्ति जाकर के वहाँ ज्वाइनिंग करता है, मकान किराया लेता है, 3 दिन में 5 दिन में उसका वापस कर दिया जाता है। जो हजारों की संख्या में ट्रांसफर का खेल खेला गया है, ये जब जून के अंदर विधानसभा का 17 आएगा हमारा, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इनकी कलई खोलेंगे, इनकी पोल खोलेंगे। जो केंद्र की मोदी सरकार, जिस प्रकार से चंदे के नाम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से जो संस्थागत भ्रष्टाचार कर रही है, राजस्थान की सरकार उसी तरीके से ट्रांसफर के नाम से उद्योग चला रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, ये बात भी हम लोग विधानसभा में और जो कैंपेन होगा हमारा लोकसभा में उसमें ये बात उठा।